केंद्र सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के नए नियम निर्धारित किए हैं। इनके बारे में जागरूकता के लिए सीतापुरा के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन हुआ। सीपेट के महानिदेशक प्रोफेसर शिशिर सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर भारतीय मानक ब्यूरो की निदेशक कनिका कालिया, सीपेट के निदेशक डॉक्टर सैयद अमानुल्ला और प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमेर सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। कार्यशाला में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित नए नियमों और BIS के नए मानकों पर चर्चा की गई। देखिए, ये कॉन्फ्रेंस है जो अभी आजकल जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की जो समस्या चल रही है सारे देश में, जहाँ पे हम लोग स्वच्छ भारत की एक योजना लेके चल रहा है देश हमारा, तो ये प्लास्टिक वेस्ट हम जो फेंकते हैं जो कच्चे कूड़े के साथ में, उससे नुकसान हो रहा है। जितने भी म्युनिसिपैलिटीज़ में हो या कॉरपोरेट सेंस में हो, जिसमें ये प्लास्टिक मिल के उसको रिसाइकलिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो इसको कैसे सेग्रीगेट किया जाएगा, कैसे इसको हम लोग रिसाइकिल करके एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये सब हमारे ये सीपेट संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे सीपेट संस्थान 2006 से है राजस्थान स्टेट में। राजस्थान सरकार के संयोग से यहाँ पे ये संस्थान यहाँ पे बनाया गया है 2006 से, और हमारा संस्थान प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है। इसलिए हम लोग हमारे मिनिस्ट्री से ये स्पॉन्सर किया हुआ प्रोग्राम, अभी ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के नए रूल्स बने हैं, ये रूल्स में जो है अभी क्या बोलते हैं, फिल्म का थिकनेस जो 50 माइक्रांस था उसको अभी 75 माइक्रांस और आगे जाके 125 माइक्रान अगले साल में बनेगा। इससे क्या होती है, ये प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करने में अच्छी तरह से सुविधा बनेगी, क्योंकि प्लास्टिक को हम अलग कर देंगे, हम जो घर में इस्तेमाल करते हैं उसी वक्त हम इसको अलग करेंगे, और हर जगह जगह एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग का हर सिटी में हर म्युनिसिपैलिटी में रिसाइकलिंग का सेंटर होगा, तो उस प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उससे हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। प्लास्टिक ने हमें बहुत सुविधा दी है, लेकिन इसका सही निस्तारण नहीं, मैनेजमेंट सही सिस्टम से नहीं हुआ तो अपने जीवन के लिए दुविधा बन सकती है। तो मेरी ये आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करके और इसको मैनेज इसको वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम को सही तरीके से लागू करने के प्रयास किए जाएँ।